नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 38, माइनस 5 बाय 7 इज डैश देन माइनस 3। मतलब हमको ये बताना है कि माइनस 5 बाय 7 माइनस 3 से मोर है या लेस है, मतलब कौन बड़ा है इन दोनों में से, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम करेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाएंगे। बात समझो, देखो बच्चों, माइनस 5 बाय 7 तो चलो ऐसे ही रहेगा, ठीक, लेकिन ये जो माइनस 3 है, ठीक, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे बनेगा? माइनस 3 को सबसे पहले आप लिखोगे माइनस 3 बाय 1। उसके बाद देखिए, इन दोनों नंबर को आप तभी कंपेयर कर सकते हो जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएं, ठीक। अभी देखिए, माइनस 5 बाय 7 है और माइनस 3 के नीचे 1 है, ठीक, तो कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पर माइनस 3 बाय 1 लिखा है, ठीक। अब क्या करो, माइनस 3 बाय 1 के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 से हमने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया और 7 से हमने डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। कितना आ रहा है चेक कर लीजिए, माइनस 3 इंटू 7, 3 7 द 21 और माइनस ऐसे ही रहेगा, यानी कि माइनस 21, ओके, बाय 1 इंटू 7 7 होता है, क्योंकि 1 किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करता है तो उतना ही आता है, पता है ना, 1 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रेशनल नंबर, तो 1 इंटू 7 7, ठीक। नाउ अब आप चेक कर सकते हो बच्चों, ये नंबर तो ऐसे ही रहा माइनस 5 बाय 7, ठीक, और माइनस 3 क्या बन गया, माइनस 21 बाय 7। अब चेक कर लो, ये नंबर बड़ा है या ये नंबर बड़ा है, इन दोनों में से कौन लार्जर है? तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया है कई सारी क्लासेस में, देखिए माइनस 5 बाय 7 लिखा हुआ है और माइनस 21 बाय 7 लिखा हुआ है। माइनस 21 बाय 7 का क्या मतलब है? माइनस 21 बाय 7 का मतलब है माइनस 3, क्योंकि बच्चों ध्यान से चेक करिए, एक बात मैं आपको बता दूं, माइनस 21 बाय 7 में अगर आप वापस कैंसिल करोगे, 7 बन जा 7, 7 3 जा, तो ये वापस माइनस 3 बाय 1, यानी कि वापस माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम आपसे बोल रहे हैं कि माइनस 21 बाय 7 लिखा है, इसका मतलब माइनस 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो जवाब है, दोनों के डिनोमिनेटर तो सेम है, ठीक। अब आपको न्यूमरेटर में जाके चेक करना है, न्यूमरेटर में जिसका न्यूमेरिकल, न्यूमरेटर में जो लार्जर होगा वही लार्जर होगा। अब चेक करो, माइनस 5 बड़ा होता है या माइनस 21? तो देखिए, नेगेटिव नंबर में ऑपोजिट चलता है, ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 5 बाय 7 लिखा होता और 21 बाय 7, तो इस टाइम तो 21 बाय 7 ग्रेटर होता है, यानी कि 21 5 से बड़ा होता है, लेकिन यहां पर क्या था, यहां पर ये दोनों पॉजिटिव है, 5 बाय 7 पॉजिटिव है, 21 बाय 7 पॉजिटिव है, ठीक। तो पॉजिटिव का केस तो है नहीं, ये तो नेगेटिव का केस, और नेगेटिव में ऑपोजिट होता है, मतलब जो नंबर देखने में छोटा लगता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। मतलब माइनस 5 बड़ा या माइनस 21 बताइए, हाँ। तो जवाब है, जो नेगेटिव में जो लेस न्यूमेरिकल वैल्यू का होता है वो बड़ा होता है, यानी कि माइनस 5 बड़ा है। तो माइनस 5 बाय 7 इज ग्रेटर देन माइनस 21 बाय 7। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नंबर लाइन पे बच्चों देखिए, यहां 0 आएगा, ठीक, और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर होते हैं, यहाँ आएगा देखिए माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, और यहाँ आएगा माइनस 5, और ऐसे करते 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 आगे आप बहुत दूर तक जाओगे तो आपको कहीं ऐसे करते करते माइनस 21 मिलेगा। अब आप चेक कर लो, देखिए पहले आप 0 के राइट में देखो, 1 2 3 4। अब बताओ, जैसे हमने 2 लिया 4 लिया, तो बताओ कौन सा नंबर लार्जर है? तो जवाब है, जो राइट हैंड साइड आता है वो लार्जर होता है, ठीक है ना। तो चेक करो, 4 लार्जर है, यानी कि 4 मोर है किससे? 2 से। 4 ज्यादा है और 2 लेस है, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे भी देख लीजिए, ये माइनस 5 यहाँ पे लिखा हुआ है और माइनस 21 यहाँ कहीं। अब बताओ इन दोनों में से राइट हैंड साइड नंबर लाइन पे आपको चेक करना है, ऐसा खड़े हो जाना, दोनों नंबर को देखना है, जो आपके राइट में आता होगा ना वो बड़ा होता है बच्चों। तो चेक कर लो, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? माइनस 5, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है? माइनस 21, यानी कि लार्जर कौन है? माइनस 5 बड़ा है माइनस 21 से, इसलिए माइनस 5 बाय 7 इज मोर देन माइनस 21 बाय 7। मतलब माइनस 5 बाय 7 माइनस 3 से क्या है? मोर है, ये माइनस 3 तो है, ठीक। तो माइनस 5 बाय 7 इज, फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या फिल करेंगे, इज मोर देन माइनस 3। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।